हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काईलाइन। तो यहाँ पर हमारी जो ये ड्रीम सिटी है, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपग्रेड किया है, हमारी एंट्री होती है सिटी में यहाँ से। और यहाँ से इंटर करने के बाद हम सीधा जाते हैं हमारे इस साइड से इस बड़े सर्कल पे, और यहाँ पर ही हमारा ये रेसिडेंशियल एरिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये वाला एरिया बनाया था, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमारा ये कमर्शियल जोन, जो कि आप देख ही सकते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे, और बड़ी बड़ी शॉप है। ये कौन सा शॉप है? ऑप्सोडा का शॉप। और ये देखो, ये कौन सा है? एक ही सोडा। अरे पूरे सोडा के ये क्या दूसरा कुछ है? ये देखो, ये सिटी स्काईलाइन का बोर्ड लगाया हुआ है, वो नट्स प्रमोशन चालू हुई वहाँ पे सिटी स्काईलाइन का, तो काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ पर हमने बनाया था एक हाई स्कूल, जो कि हमने इधर बास्केटबॉल ग्राउंड और वो सब कुछ अच्छे तरीके से डेकोर किया था। आप देख ही सकते हो, बढ़िया लग रहा है। अभी तो रात हो चुकी है, इसलिए हाई स्कूल बंद हो चुका है। इधर बनाया था हमने उसके पीछे मेट्रो स्टेशन, जो कि ये मेट्रो लाइन सीधा जाती है यहाँ से निकल के यहाँ पर। इधर हमने बनाया था ना ये हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, इसमें लगाई थी हमें। हमने एक ये हमारी सिटी का स्काई क्रैपर, जिसका नाम है हाई इंटरेस्ट टावर। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा वाला एरिया बनाया था, यहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। और यही मेट्रो जाती है हमारी सीधी इधर, जिसको आप देख ही सकते हो इंडस्ट्रियल एरिया में। यह इस आइलैंड को हमने पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दे दिया था, तो यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इसलिए हमने उसे इधर शिफ्ट कर दिया था। उधर शिफ्ट करने के बाद हमने यहाँ पर बनाया था, ये देखो, यहाँ पर कार्गो ट्रेन टर्मिनल बनाया था हमने, जहाँ पर कि गुड्स आता है बाहर से और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये काफ़ी, ये देखो, इस मशीन से देखो यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये वाला जो आपको मशीन दिखाई दे रहा है, ये ट्रेन पे रख देता है। इसके हमने दो बनाए थे, ये देखो, यहाँ पर भी एक कार्गो ट्रेन टर्मिनल बनाया था, ये देखो, यहाँ पर भी व्हीकल आ जा रही है। तो ये सीधा कनेक्ट होती है इधर इस मेन लाइन पे, जो कि अभी हमारे पास है। हमने ये देखो, यहाँ पर जा रही है, अभी ये सीधा मेन लाइन पे कनेक्ट हो जाएगी। तो बस इतना ही। तो आज हमें कुछ रेसिडेंशियल एरिया की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है हमारे तरफ, तो इस टाइम हमें करना होगा रेसिडेंशियल एरिया पे थोड़ा फोकस। तो आज हम बनाएंगे रेसिडेंशियल एरिया और उसमें लगाएंगे कुछ यूनिक बिल्डिंग्स, जैसे कि कुछ यूनिक बिल्डिंग क्या ओपन हुआ है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते। तो हमारे पास एक्सपो सेंटर, हमारा ट्रेड शो एज अ कॉन्फ्रेंस अट्रैक्ट विजिटर फ्रॉम द नियर एंड फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द बिल्डिंग द स्पेस एलिवेटर। ओके, तो ये एक्सपो सेंटर हम इस बार यूनिक बिल्डिंग में लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो चुकी है अभी सुबह, और यहाँ पर हमें जल्दी से, ओह ये देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है यार इनको, अभी क्या करें, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इनको क्यों आ रहा है? लेकिन अवेलेबिलिटी कम होने लग गई है यार हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो एक कोल पावर प्लांट है, एक ऑयल पावर प्लांट, इसे लगा देते हैं। इसके लिए हमें कहाँ पर लगा सकते हैं इसे, ऑयल पावर प्लांट यार, इसका ऑयल जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है फिर बाद में। इसे हम लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, कहाँ पे लगेंगे, प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ओके, तो इसे हम यहाँ पर लगाने का ट्राई करेंगे, नहीं यहाँ पर भी नहीं लगा पा रहे। इधर इधर कहीं पे, इधर मेट्रो स्टेशन के बाजू में, ये देखो, यहाँ पर लगा सकते हैं हम इसको, नहीं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इसे यहाँ पर हमने लगा दिया, तो अभी शायद से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। हाँ, चली गई चली गई, सबकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अभी चल गई। तब तक ना हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ना, ये देखो, यहाँ पर इतनी सारी विंड मिल लगा दी है मैंने, विंड मिल और इधर ये कौन सा पानी वाला विंड मिल, दोनों विंड मिल लगा दिए। तो इससे क्या रहता है ना, नेचुरल एनर्जी आती है, तो इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अगर हमने ये ऑयल और इसका लगाया ना, तो देखो यहाँ पर ना इसका ऑयल ख़त्म हो जाता है। देखो अभी यहाँ पर लगाई थी हमने, नॉट इनफ फ्यूल, नॉट इनफ फ्यूल का प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलो चलते जल्दी से हमारा एरिया एक्सपेंड करने, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बड़ा नहीं हो गया हमें, तभी तो हमारे नेक्स्ट लेवल पे हम लेवल अप हो सकते। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर एक वही एरिया, इधर से यहाँ पर हमें सर्कल डालना चाहिए। सर्कल का ज़्यादा ट्रॉफिक होता है क्या, एक बार चेक कर लेते। इधर ट्रॉफिक तो ज़्यादा नहीं हो रही यार सर्कल से, तो सर्कल इधर हमें डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे सर्कल किधर, हाँ यहाँ पर, तो वही सर्कल डालेंगे। तो इसके लिए हमें इस रोड को यहाँ से कट करना चाहिए, कहाँ पे कट करना चाहिए, इधर तो नहीं, इधर तो नहीं डालेंगे हम, कुछ पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। अगर हमने सर्कल डाला ना, तो फिर हमें दोनों साइड इधर भी एंट्री मिल सकती है। तो चलो इसे हटा देते हैं यहाँ से, रोड को यहाँ पर डालेंगे हम हमारा सर्कल,
तो सर्कल कहाँ पर रही? मिल जा भाई जल्दी जा भी। हाँ ये देखो यहाँ पर है हमारा सर्कल बड़ा वाला। हाँ और इसे हम डाल देंगे सीधा, तो इसे हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इसे अभी ज्वाइन करना होगा ना, तो इसके लिए हमें इस रोड को बहुत ही ज़्यादा कट करना होगा। अभी इस रोड को यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर तो कुछ टेंशन ही नहीं है, इधर तो बराबर हो चुका है। तो अभी किधर हो गया वो वाला रोड जो कि हमें चाहिए? अभी शायद यही है ये। ओके वन वे यही है या नहीं? ओके यही है। तो इसे हम यहाँ से जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। इधर से की साइड तो हो गई कनेक्ट, अभी इधर की साइड हमें यहाँ से कनेक्ट करनी होगी यहाँ पर, और यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम इसको सीधा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अभी देखो रोड अच्छे से हाँ चालू हो चुका है। देखो अभी क्या होगा कि अगर हमने इधर इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया बनाया तो इधर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी हम बनाएंगे वही हमारा 6 लेन रोड डालेंगे भाई हम इस बार, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है हमें। इधर 6 लेन रोड हमें कहाँ पर मिलेगा? अभी ये वाला रोड डालने का ट्राई करते हैं हम। 6 लेन ओके, उसे डालेंगे यहाँ पर, सीधा जाएगा ये रोड यहाँ से। ऐसा टेढ़ा ट्राई नहीं, टेढ़ा तो नहीं बनाने वाले हम। अगर ऐसा हमने इधर बनाया यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पर, फिर आएगा यहाँ पर, सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर तो बढ़िया लग रहा है ये। और एक्सपो सेंटर हम लगाएंगे कहाँ पर लगाएंगे उसको? यहाँ पर एक्सपो सेंटर लगाएंगे हम। इधर है पहले उसे लगा देते एक्सपो सेंटर, ये रहा यहाँ पर एक्सपो सेंटर। लगेगा या नहीं भाई? अभी यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर लग सकता है, ताकि सिटी में अगर यहाँ पर लगाया हमने तो भी चलेगा, लेकिन और इधर बीच में लगाया तो नहीं। इधर ही लगाते हैं हम इसको, यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सपो सेंटर भी अभी लगा दिया है। ओ माय गॉड देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये यहाँ पर। अरे हाँ बढ़िया तो लग ही रहा है वैसे। इसकी एंट्री इस साइड है ना, देखो इधर से एंट्री, और इसको हमने यहाँ पर बराबर लगा दिया। तो अभी यहाँ पर हमें थोड़ा इस एरिया का भी कुछ करना होगा। तो यहाँ पर हम बीच में डालेंगे इसके वाले 4 लेन रोड जो कि होगी ये पेड़ों वाली। तो क्योंकि यहाँ पर बीच में पेड़ है तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो यहाँ तक करेंगे इसको रेडी, नहीं इसको लेंगे हम यहाँ तक, और इसे करेंगे यहाँ पर कनेक्ट, इसे करेंगे यहाँ पर। अरे ये टेढ़ी होगी शायद, ओके टेढ़ा हो गया ये। तो इसे यहाँ से हटा के यहाँ तक ठीक है शायद, अरे फिर भी टेढ़ा हो गया। जान दो अभी क्या है, इतना टेढ़ा थोड़ा तो चले गई। तो और यहाँ पे और बीच में एक रोड ये जाएगी सीधा यहाँ पर हम डालेंगे वो। इधर एक सर्कल ये रहा, इधर इस सर्कल को डालेंगे सीधा यहाँ पर। सर्कल डालने के बाद हम इसका साइड कट कर लेंगे। करना चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता यार कट करना चाहिए था। देखो जान दो कर लेते, क्या करेंगे उसको इसे कट करके। किधर है फिर हमारा रोड? तो इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस सिग्नल पे। यहाँ से और सिग्नल पूरा बिगड़ गया हो।
यहाँ से देखो अभी, अरे सिग्नल लेके क्या है यार, पूरा टेढ़ा हो गए हो। इधर भी एक लगा देती है फिर, अभी क्या टेढ़ा तो हो ही चुका है ये। देखो अभी थोड़ा कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है वैसे तो। यहाँ पर हम ना थोड़ा हॉपिस जोन भी बनाएंगे, क्योंकि भाई हमने अभी तक ना हॉपिस जोन बनाया ही नहीं हमारे सिटी में। तो ये रहा इधर हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन नहीं बनाएंगे हम, इंडस्ट्रियल जोन भी नहीं बनाएंगे। किधर है हमारा ऑफिस जोन? तो ये रहा हमारा ऑफिस जोन, तो इधर हम पूरा का पूरा ऑफिस जोन डालने वाले हैं अभी। यहाँ पर ऑफिस जोन रहेगा, यहाँ पर ऑफिस जोन रहेगा, यहाँ पर ऑफिस जोन ना हम कहीं भी बना सकते हैं, उसका ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इधर पूरा का पूरा ऑफिस जोन रहेगा हमारा। यहाँ तक हम ऑफिस जोन बनाएंगे, इधर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो सकती है वर्ग। मेरे को तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। बस यहाँ तक ऑफिस जोन इधर डालेंगे, उसके बाद हम रेसिडेंशियल जोन जैसे कि लो डेंसिटी वाला, यहाँ पर इसमें शायद से हमें ट्रॉफिक की तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं, हमने तो डाल दिया। एक बार वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। ओके तो करते हैं इसको प्ले और देखते हैं अभी कि काम होना शुरू हुआ या नहीं। अरे तब तक हम यहाँ पर पाइप पानी की भी इंतजाम कर देते हैं इनके लिए। यहाँ से वेट, हाँ यहाँ से डालेंगे हम। देखो यहाँ पर जॉइंट है ना, डाल तो कहीं पे भी सकते हैं लेकिन जॉइंट भी कैसा रहेगा थोड़ा। ये देखो यहाँ पर पानी का इंतजाम इनका, तो इसको पहले दे देना चाहिए क्या? ये बेचारा यहाँ पर तड़प रहा है पानी के लिए। ओके तो यहाँ से इसको देंगे सीधा यहाँ पर, और इनका पानी का तो हमने इंतजाम कर दिया, अभी इनका करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कैसे कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर तो एरिया जहाँ पर बनना शुरू हुआ है वहाँ पर तो आपने आप इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर कनेक्टेड है। और तब तक ना हम यहाँ पर ना कुछ विंड मिल लगा देते, जैसे कि पानी वाली लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये इसका फ्यूल कभी भी ख़त्म हो जाता है ना फिर। बहुत ही ज्यादा लगा दिया हमने, और इसको यहाँ पर भी लगा देती है थोड़ी सी। खेती करेंगे हम यहाँ पर विंड मिल्स की। ओके तो हमने यहाँ पर तो विंड मिल की खेती कर दी, कितनी सारी लगा दी हमने, मैंने गिनी भी नहीं कितनी लगाई। वो पूरा का पूरा एरिया वो ये विंड मिल से ही भर देंगे अब। ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें बजट कम कर देना चाहिए फिर। बजट कहाँ पे मिलेगा? ये रहा यहाँ पर बजट, इलेक्ट्रिसिटी का बजट हमें कम करना होगा भैया। अभी कितनी अवेबिलिटी एक बार चेक कर लेते। अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो बजट कम करेंगे इसका। अभी शायद कितनी हुई अवेबिलिटी? अरे फिर भी उतनी ही, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो गई शायद हमारे पास। अभी बहुत ज़्यादा बजट कम करना होगा इसका, और कम करना होगा शायद से। ओके तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बजट भी कम कर दिया, तो अभी नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा कटेगा ना हमारा। ये देखो यहाँ पर अभी बनना शुरू हो चुका है ऑफिस जोन। तब तक अरे इधर हम गार्डन गुर्डन कुछ नहीं बनाएंगे यार, फिर कैसे चलेगा? फिर ऐसे तो नहीं चलने वाला। इधर इस बीच वाले सर्कल को हम डेकोर करने की कोशिश करते हैं, तब तक ये वाले पेड़ हटा देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सबके सब पेड़ हटा देंगे, दे रहा है सबका बदला लेगा ये पत्थर। हट जा भाई, तू भी हट जा, तू हट जा, हट जाओ। चलो क्लीन करो इस जगह को। इसको हमने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया अभी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ अलग वाला स्टैचू, जिससे कि यार कुछ ओपन ही नहीं हुआ हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें। तो क्या बनाएंगे हम? बना बना के ये क्या है, स्टैचू ऑफ वेल्थ बैठेगा यहाँ पर? अरे नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ वेल्थ तो नहीं बैठ रहा, लेकिन दूसरा कुछ
लगा सकते हैं क्या, जैसे कि बर्थडे प्लाजा ट्राई करेंगे? नहीं, ये तो नहीं लगा सकते हम, हमारे पास पेड़ भी ओपन नहीं हुए अभी तक। जाने दो यार, यहाँ पर ना हम गरीब बना देंगे। लो डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, नहीं तो हाई लगा देते। चलो हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन। अरे ये कौन सा है, रुको रुको रुको, ये कौन सा है, हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन लगा देते। यहाँ पर 3-4 बिल्डिंग बन जाएगी बड़ी बड़ी, उतना ही लोगों के लिए फायदेमंद। तो यहाँ पर अभी हमारा शायद से पूरा का पूरा एरिया बन के हो चुका है तैयार। अरे नहीं यार, इधर बनना बाकी अभी। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, 6 लेन रोड के साथ यहाँ पर हमने हमारे एरिया को बढ़ाया है। अरे इतना छोटा यार ये रेसिडेंशियल एरिया, ऑफिस बिल्डिंग इतनी छोटी की, मुझे लगा बड़ी बड़ी होंगी ऑफिस बिल्डिंग, तो बहुत छोटी निकली। देखो यहाँ पर कुछ ट्रैफिक हो रही है क्या, एक बार चेक कर लेते। नहीं ट्रैफिक तो नहीं हो रही है, लेकिन एक ही साइट एंट्री हो गई अभी शायद इनके लिए। यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ यार, और रोड कनेक्ट कर देना चाहिए हमें यहाँ पर 4 लेन, या 6 ही करना चाहिए, यहाँ पर 6 है तो। छोटी सी रोड कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या अभी इधर व्हीकल आना चालू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिमांड तो बढ़ती जा रही है भाई, सब कुछ बढ़िया चालू है अभी। ये देखो यहाँ पर हमारा एक्सपो सेंटर, ये तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाजू में यहाँ पर हम कुछ गार्डन गुर्डन लगा के ट्राई करते हैं, एक बार गार्डन लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर जापनीज गार्डन लगा देते, देखो यहाँ के लोग भी खुश हो जाएंगे। फिर खुश हो चुके, कैसा दिख रहा है जापनीज गार्डन, एक बार इस पर नज़र मारेंगे। ओहो, और बारिश चालू हो चुकी है भाई जापनीज गार्डन लगाने के बाद। ये देखो यहाँ पर बढ़िया लग रहा है जापनीज गार्डन, इधर तो हमने कर लिया बढ़िया वाला काम। और शायद से ये देखो यहाँ पर ये लैंडफिल साइड अभी खाली हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे अभी यहाँ से उठा लेना चाहिए। इसे यहाँ से हम उठाएंगे और इसे सीधा डालेंगे इधर उसकी जगह पे, जहाँ पर कि हमने, अरे इधर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। चलो पहले इधर रोड एक्सपेंड कर लेते, यहाँ पर अभी हम उसे इधर उठा के डालेंगे, ताकि यहाँ पर ये जगह पोल्यूशन ना हो इतना। इसको उठा लेंगे यहाँ से, उसे डालेंगे। जब तक उसमें कचरा रहता है ना, तब तक हम उसे हटा नहीं सकते, उसका पूरा कचरा हमें खाली करना होता है, उसके बाद हम उसे हटा पाते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे हटा तो लिया। चलो अभी ये चालू भी हो चुकी है शायद, अभी नहीं आनी चाहिए किसी को कोई प्रॉब्लम। इधर इधर हम रेलवे स्टेशन बनाने का ट्राई करेंगे, ताकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना सके। यहाँ पर रेलवे लाइन जाएगी, हाँ चली जाएंगी, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन डालेंगे हम, और उसे हमें सीधा कनेक्ट करना होगा इस एरिया पे, यहाँ तक आपेगी। अरे ये रे, अरे किधर है भाई, ये देखो यहाँ पर उसे, इसे ना यहाँ पर ना एक लाइट लगा देता हूँ यार, मैं कुछ दिखता ही नहीं उधर। बड़ा वाला लाइट लगाएंगे हम वहाँ पर, 2-3 कौन से वाले, वो एक स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को हमें बचा के रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये देखो ये वाला लाइट लगा देते। ये देखो ये बड़ा वाला, इधर एक गाय भाग रही थी उस दिन, ये दिखे तो सही हमें। ये देखो यहाँ पर ट्रेन भी जाना चालू हो चुकी है, ओके तो यहाँ पर हमने लाइट लगा दिया। अभी हमें ये तो पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ तो है ना, इधर अभी हमें शायद से इस एरिया का तो पूरा काम हो चुका है या नहीं, एक बार चेक कर लेते। ओके, एरिया का तो शायद से पूरा काम होना शुरू हो चुका है। अरे इधर हमने मार्क ही नहीं किया, मैं वही सोचूं इधर बना क्यों नहीं एरिया अभी तक, इधर बनेगा तभी तो।
बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर इनके लिए एक स्कूल भी लगाना होगा ना, तो स्कूल किधर है? पुलिस डिपार्टमेंट लगा देते हैं यहाँ पर गार्डन के बाजू में, उसके बाजू में लगेज एक स्कूल लगा देंगे, एलिमेंट्री स्कूल। एक हॉस्पिटल लगा देंगे, ये हॉस्पिटल पहले यहाँ पर लगा देंगे, फिर लगा देंगे। अरे उनको फ़ायदा हो रहा है क्या? हाँ, सबको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर, तो ये बात तो अच्छी है। फिर और लगाएंगे एक फायर डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने फायर डिपार्टमेंट भी लगा दी। वैसे तो ठीक ही है, लेकिन हमने इस एरिया को ना एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया, करना चाहिए। नहीं जाने दो, इसको आप सेपरेट रखेंगे, हम यहाँ पर इसको सेपरेट रखेंगे। और यहाँ पर हम और डालेंगे, क्या डालें इसमें? सब कुछ तो डाल दिया शायद हमने। लैंडफिल साइट का क्या है इनका? ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लैंडफिल साइट के लिए इनको एक रोड बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सीधा इधर लैंडफिल साइट पे, तो उस रोड को यहाँ से डालेंगे हम सीधा अंडरग्राउंड। और यहाँ तक ये, तो इसको हमने यहाँ पर सीधा कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ से जो कचरे की गाड़ी जाएगी वो सीधा जाएगी उस साइड पे, तो देख लेते हैं जा रही है या नहीं। किधर है कचरे वालों? ये देखो यहाँ पर ये गाड़ी जा रही है ये, और इसने इधर टर्न ले लिया यार। ओहो, इधर जाना चालू हो चुका है शायद से। ये देखो इधर पुलिस गाड़ी आ रही है। किधर गई है पुलिस गाड़ी? तो गई थी ना वहाँ पर ये। चलो आ जाएंगी भाई, आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर व्हीकल निकल रही है, वो जो वहाँ से निकली थी। और इधर कहाँ पे गया भाई ये? इधर किसकी बिल्डिंग है ये? ऑपरेशन नॉर्मली ऑफिस बिल्डिंग। ओके, तो ऑफिस जाने के लिए इधर ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए अभी। हाँ, इधर इधर नहीं ट्रैफिक होनी चाहिए भाई, क्योंकि फिर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमने इसको लैंडफिल साइड से भी कनेक्ट कर दिया, सब नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर। इसका क्या है भाई? प्रोटेक्ट रेसिडेंसी, द प्रोस्पेक्ट रेसिडेंसी, अडेट पर्सन वेटिंग फॉर ट्रांसफर। अरे आ जाएगा, रुको थोड़ा। इधर हमने अभी कनेक्ट कर दिया है, तो ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर कचरे की गाड़ी जो मेन थी हमारे, जिसलिए हमने ये रोड डाला। अरे भाई बहुत बढ़िया हो गया, हमारी सिटी में तो ऐसा ही होना चाहिए था। इधर इधर क्या है? इधर हुआ है या नहीं कुछ? इधर तो हाँ ऑफिस बिल्डिंग डाली है ना, फिर ऑफिस बिल्डिंग तो बनना शुरू हो जाना चाहिए था। बहुत ही प्रॉस्परस एरिया है हमारा। तो इस बार नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी बनाएंगे, सब कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। इधर हम अभी रेसिडेंशियल एरिया बनाएंगे, क्योंकि इधर तो हमने पूरा का पूरा पैक कर दिया है भाई एरिया। इधर देखो अभी जगह ही नहीं बची किसी चीज़ की, इधर हम चाहे तो भी कुछ नहीं बना सकते। लेकिन ये जो बना है ना, ये काफ़ी बढ़िया बना है। ऐसे ही लाइन सिटी बनाएंगे हम इधर लाइन सिटी ही बनाएंगे इसे, इस मेन रोड से कनेक्ट करके इधर इसे लाइन सिटी यहाँ बनाएंगे। तो आज के लिए शायद इतना सफिशियंट है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, नहीं है किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये शायद क्या यहाँ पर फुल हो गया क्या? नो मोर रूम, तो इसे हम खाली करने के लिए लगा देते हैं यहाँ पे। ये अभी खाली होना शुरू हो जाएगा। अरे यहाँ से ना हम एक काम करते हैं, और एक दूसरी रोड डालते हैं, और वो सीधा निकलेगी इस साइड पे। नहीं 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 फिर वो दूसरे लोग भी जाना शुरू हो जाएंगे वापस। इनको कचरे की तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ प्रॉब्लम आएगी। ये देखो यहाँ पर हमने डाला था बोटेनिकल गार्डन, ये है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन है, ये क्लिनिक डाला था हमने यहाँ पर एक, और ये बीच में एक घर बन गया था बेचारे का। यहाँ पर हमने ये डाला था फायर हाउस, ये बीच में फिर से घर बन गया था। एलिमेंट्री स्कूल डाल दिया हमने, सब कुछ तो डाल दिया यहाँ पर, तो इस सिटी को शायद से अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये देखो यहाँ पर बीच की बिल्डिंग, अरे भाई बढ़िया लग रही है एकदम। आपको पहले इस सिटी में अच्छे से, ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे घर है, फिर इधर हमारा ऑफिस एरिया। तो ये देखो यहाँ पर यहाँ से गाड़ी निकलेंगी ना, ये देखो यहाँ से जा रही है अभी कचरे के लिए। और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या एक बार चेक कर लेते। उसका शायद से 1.5% का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। 6 लेन का यही फ़ायदा है कि ट्रैफिक नहीं होगी यहाँ पर,
इधर हो रही है कि इधर एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इधर भी ट्रैफिक नहीं हो रही। तो ये देखो यहाँ पर बनना भी शुरू हो चुका है, शायद से अभी ये एरिया पूरा का पूरा भर जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।